नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। और वाराणसी से मैं दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हनक जिस तरह से वाराणसी में हुआ करती थी, और जो कोऑर्डिनेशन और जो उत्साह उनके प्रति उत्तर प्रदेश के नेताओं में हुआ करती थी, उसमें तब में और इस वक्त में कितना फर्क आ गया है। पहली तस्वीर ये आपके सामने। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री जिस समय मंच पर आ रहे हैं, तब की ये तस्वीर है। और देखिए कि इस तस्वीर में कैसे आई कांटेक्ट मिसिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में आई कांटेक्ट नहीं होता है। ये सब कुछ दिखाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में जिस तरह चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से जिस तरह के शिकवे शिकायत गिले शिकवे हैं, वो किस तरह से असर दिखा रहे हैं, वो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई। और ये दूसरी तस्वीर तब की है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बोलना शुरू किया। तो जो शब्द वो बोल रहे हैं उसको सुनिए और समझिए कि इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि लोकप्रिय सांसद, तो सब कुछ पता चल रहा है कि क्या परिस्थिति है और क्या कहा जा रहा है। क्योंकि हाल के बनारस के चुनावी नतीजों ने भी बताया है कि प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से कमज़ोर, न केवल कमज़ोर हुई है बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। और ये इस पूरे कार्यक्रम के माहौल में साफ साफ दिख रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। बहरहाल मैं बात करना चाहता हूं इस वीडियो में, राहुल गांधी का एक इंटरव्यू आया है फाइनेंशियल टाइम्स में, और उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने बहुत दावे के साथ कहा है कि ये सरकार जरा सी गड़बड़ी पर गिर सकती है। अभी जो सरकार है, जो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है, ये सरकार एनडीए सरकार, इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि एनडीए के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और ये भी कहा है कि एनडीए के भीतर, बीजेपी नेतृत्व के भीतर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल इधर उधर पूछे जा रहे हैं। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया, तो क्या जवाब मिला है और किस तरह का जवाब मिला है, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रतिक्षम किम प्रमाणम, राहुल जी ने जो बात कही है ये तो दिख रहा है आपको। 63 सीट नरेंद्र मोदी की कम हो गई, बैसाखियों पर टिके हुए हैं, बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। पहले दिन उनके घटक जल जेडीयू ने कहा अग्निवीर जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। टीडीपी ने कहा हम डंके की चोट पर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे, वो कह रहे हैं बार बार पेगासस की जांच हो। राजभर जी जाकर, जो उनके घटक दल है यूपी में, हर जगह जाके कह रहे हैं मोदी और योगी की वजह से हार गए। अरे घटक दलों को 2 मिनट छोड़ दीजिए, जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, जो सैद्धांतिक विचारधारा से जिसकी नाड़ी जुड़ी हुई है, आरएसएस पाठ पढ़ा रही है कि विरोधियों को प्रतिपक्ष में अपना दुश्मन मत समझिए, वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपके अभिमान के चलते भगवान राम ने आपको 200 के ऊपर कुछ सीटों पर रोक दिया, वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है उसका त्वरित फैसला होना चाहिए। तो बैसाखियां बवाल मचा रही है वो एक
पिक्चर है, अंदर जो अंतर विरोध है वो दूसरा है। आप लोगों से क्या छुपा, आप लोग तो सब जानते हैं, छापिए भले नहीं, बोलिए भले नहीं, आप जानते हैं किस तरह की तलवारें थनी हुई हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है कि किल से हुए लोग जिनको मंत्रालयों से निकाल दिया गया उसमें कितना विरोधाभास चल रहा है, कि द इशू विद इन द बीजेपी इज ब्रूइंग। तो ये सारे जब ऐसी हरकतें होती हैं तो हमें दिखता है कि मजबूर सरकार है, हर जगह खींची जाएगी। मैं तो डंके की चोट पर हर बार एक सवाल पूछती हूं, नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में इतना गलत वक्तव्य दिया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग किया और एक ऐसे झूठ पर किया जिसको वो लगातार प्रचारित कर रहे थे। अब हिम्मत है कि बुलाएं चंद्रबाबू नायडू को और कहें आप मुजरा कर रहे हैं? तो इसीलिए हमारा कहना है कि सरकार जो है वो बहुत आशंका में है, सरकार विरोधाभास से घिरी हुई है, अंतर कलह मचा हुआ है और हम मूक दर्शक बन के नहीं देख रहे हैं, बस ये आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौतियाँ बड़ी हो गई हैं, ये अब लगभग तय हो चुका है कि आने वाला जो सत्र है जो शुरू होने जा रहा है 24 जून से और ये 3 जुलाई तक चलेगा। वैसे तो ये सत्र नए जितने भी सांसद चुन के आए हैं उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा उसके लिए है। एक बात और बताना ज़रूरी है कि पहले से जो चर्चा चल रही थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं होगी, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, शायद इस वीडियो के आने के बाद ये सब कुछ डिटेल्स में इसकी जानकारी मिले कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो स्पीकर के चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी उसका फलाफल क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्पीकर का चुनाव बड़ा क्रूशियल है, लेकिन एनडीए के घटक दलों की ओर से कोई ऐसा अभी तक दबाव नहीं बनाया गया है कि अध्यक्ष उनका चाहिए। तो जाहिर है कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा, उपाध्यक्ष किस दल से होगा ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन स्पीकर का, स्पीकर से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और जब इस पर सवाल आया तो कांग्रेस ने क्या जवाब, कांग्रेस की ओर से क्या जवाब मिला है और सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ी गर्मजोशी के साथ जो जवाब दिया है वो सुनना समझना बेहद ज़रूरी है। अब क्या होगा सदन में, हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारे चुने हुए सांसद, बाकी लोग क्या डिसाइड करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, ये मैं आपको कह सकती हूं और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है सदन में, जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त जो सरकार की चुनौतियां हैं वो कहीं से कम नहीं है और निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अनुभव रहा है अपने हिसाब से काम करने का, उस अनुभव के विपरीत एक परिस्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के मुकाबले थोड़े लचीले दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से राजनाथ सिंह को महत्व मिल रहा है, जिस तरह से राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ये सारी बैठकें चल रही हैं अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर मीटिंग वो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ से दूर, दिल्ली से दूर बनारस में बैठे हुए हैं और वो कल तक बनारस में रहेंगे, तो ये सब पहले संभव नहीं था। सारे जो सत्ता के केंद्र थे, सारी जो सत्ता थी, सारे जो डिसीजंस थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगैर नहीं हो पाते थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए बहुत सारे अपने जो तौर तरीके थे उसमें बदलाव लाया है और इसकी वजह से एक ये भी दिखाई दे रहा है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस तरह की चुनौतियाँ शायद इतनी जल्दी वो समय ना आए,
विपक्ष का काम है, विपक्ष ये मानता है कि जो सरकार के अंदर गड़बड़ियाँ हैं, सरकार के अंदर जो कमियां हैं, उस पर बात करना, उसको हमेशा एक भय में रखना, ये भी एक विपक्ष का काम होता है। दबाव में रखना ये भी एक विपक्ष का काम होता है, और शायद जो है राहुल गांधी ने इस भूमिका को संभाल लिया है। भले ही वो अभी विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया है, उसके बारे में अभी ऐलान नहीं हुआ है, वो भी ऐलान जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी चुनौती होगी, और उस चुनौती से निपटना प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं होगा। उस प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर जो बहुत ही तंज किया करते थे, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब पिछली सरकार में जो आखिरी सत्र था उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ नजर आएगा। उसके विपरीत कांग्रेस ने अपनी ताकत बढ़ाई है, और न केवल बढ़ाई है बल्कि लगभग लगभग 100 के आंकड़े को छूने जा रही है। एक सांसद की कमी है, वो सांसद भी जो है उसका समर्थन देने की बात आ रही है। पप्पू यादव जो बिहार के इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो कभी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, वो कांग्रेस के मेंबर तो पहले से ही रहे हैं लेकिन निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं। तो खैर 100 का आंकड़ा तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा कांग्रेस का। तो कांग्रेस की इस बढ़ी हुई ताकत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से वो पार पाएंगे। उनको बार बार इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा संसदीय राजनीति में। इस तरह की विपक्ष की मजबूती, विपक्ष की ताकत हमेशा सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, और ये चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार आ रही है, ये साफ है। और ये बात भी साफ है कि विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूती से अपनी बात रखेगा, और न केवल रखेगा बल्कि जो सरकार का एजेंडा है अगर वो जनता के हित में नहीं है, वो जनता के पक्ष में नहीं है, तो उस पर मुद्दे पर सरकार को घुटने के बल झुकने के लिए मजबूर करेगा। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यही लोकतंत्र की ताकत भी है, और इस ताकत को जनता ने इस बार 2024 के चुनाव में इसको सर्टिफाई किया है, इसको जस्टिफाई किया है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह की राजनीति चलती है। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।